स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हमारे द्वारा ये बेड तैयार किया गया, दोस्तों इसको किस प्रकार से तैयार किया है वो वीडियो में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी जो डो है वो उसका जो साइज बता दें आपको, वो 9 फुट बाई 7 फुट ऊंचाई में बनेगी। दोस्तों सबसे पहले हम ये 8 बाई 4 की जो प्लाई है इसको हम बढ़ाकर 9 फुट करेंगे, 1 फुट का जो जोड़ लगेगा। दोस्तों ये जो हमारी प्लाई है ये 10 mm की लगाएंगे बैक साइड में। दोस्तों इसको 1 फुट अलग से जोड़ने के लिए 1 फुट की कटिंग करेंगे सबसे पहले। दोस्तों जो ये 1 फुट का पीस है ये हमारे जो 8 बाई 4 की प्लाई की पीट है उसके साथ में जॉइंट किया जाएगा, जिससे उसका साइज है जो वो 4 फुट बाई 9। हमारे द्वारा बैक साइड प्लाई तैयार करने के बाद में ये साइड बॉक्स के लिए अपने पीस तैयार किए गए हैं। 4-4 पीस हैं, जो अपना साइड बॉक्स है वो 1.5 फुट बाई 14 इंच में तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों अब हमें इसकी प्लाई चालू करते हैं और इसका साइड बॉक्स बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो के एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अब इसके जो अपने बैक साइड का टो का डिजाइन है वो तैयार किया जा रहा है। दोस्तों जो ये हमारा बॉर्डर बनेगा वो 1.25 इंच का बनेगा। अब इसका काम चल रहा है, अब हम नया प्रिंट इसका बॉर्डर बनाएंगे। दोस्तों ये इसकी टो इस प्रकार से तैयार हो रही है, ये साइड पर बॉक्स बन चुके हैं और ये इसके ऊपर वाला बॉर्डर लगा दिया है 2.25 इंची का। जो अपना बॉक्स का बॉर्डर आ रहा है बिल्कुल उसी साइज का बॉर्डर जाएगा चारों साइड। दोस्तों अब इसके ऊपर यहाँ डिजाइन बनना बाकी है, यहाँ पर सेल्फ आएगी। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ से 1.12 इंची का एल टाइप ऊपर डिजाइन बनेगा। तो अब इस डो के बैक साइड में यहाँ पर हमारे द्वारा डिजाइन बनाया जा रहा है। दोस्तों ये हमारे 8 बाई 8 का चौरस पीस है जो यहाँ पर लगेगा इस प्रकार से। दोस्तों ये हमारे 3 पीस हैं, एक यहाँ पर लगेगा और एक आगे लगेगा और एक वहाँ पर लगेगा। ये 3 पीस है जो हमारे इस प्रकार से लगेंगे। हमारे द्वारा जो 3 स्टेप 8 बाई 8 के वो लगा दिए गए, बच्चे देख रहे हैं। अब हमारे द्वारा ये ऊपर का डिजाइन बनाया जा रहा है, इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट है 96 इंची और जो इस साइड से इसकी लंबाई है वो 4 फुट है और इस साइड से वहाँ पर प्लाई में जो कट दिया गया 10 इंची का उसी कारण से यहाँ पर अपने 48 इंची से 10 इंच कम रखा गया इसको। दोस्तों इसके अंदर भी एलईडी लाइट लगेगी इसलिए इसको 1.25 इंच पीछे हटाकर लगाया जा रहा है।